क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3 में क्या कहा है, लेट जी 1.2 2.5 3.8 4.10 5.12 6.12। ये जी दे रखा है, इस जी है फंक्शन, फंक्शन है तो हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी। देखो 1 यहाँ पे है, कहीं और तो 1 नहीं आ गया, नहीं आया, ठीक है। अब देखो 2 यहाँ पे है, कहीं और 2 तो नहीं है, नहीं है। यहाँ पे 3 है, कहीं और फर्स्ट एलिमेंट 3 तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 4 है, कहीं और ऐसा जहाँ फर्स्ट एलिमेंट 4 है, नहीं है। इधर 5 है, क्या कोई फर्स्ट एलिमेंट 5 बन रहा है, नहीं बन रहा। 6, कोई फर्स्ट एलिमेंट 6 बन रहा है, नहीं बन रहा। तो हर एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इमेज है, तो ये क्या है, फंक्शन है। और हम वैसे भी देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये फर्स्ट एलिमेंट का सेट लिख दिया। अभी इन्होंने कुछ लिख नहीं रखा कहाँ से कहाँ, तो इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया हमने, ठीक है। और ये क्या है, 2 5 8 10 एंड 12। देखो 1 किससे रिलेटेड है, 2 से, 2 किससे रिलेटेड है, 5 से, 3 किससे रिलेटेड है, 8 से, 4 किससे रिलेटेड है, 10 से, 5 किससे रिलेटेड है, 12 से, और 6 भी किससे रिलेटेड है, 12 से। अब यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि शायद ये फंक्शन नहीं है, नहीं। देखो हर एक एलिमेंट की अपनी एक एक इमेज है ना, अगर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है तो वो फंक्शन होगा, ठीक है। फंक्शन कब नहीं होता, जब एक एलिमेंट की दो इमेज हो जाती हैं। हमने क्या पढ़ा था, कोई भी एक रिलेशन फंक्शन होगी इफ़ एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स यूनिक इमेज, एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शन है, यस जी इज अ फंक्शन। अगर हम फंक्शन है तो रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे एवरी एलिमेंट हैज इट्स यूनिक इमेज, हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, इसलिए जी क्या है, फंक्शन है। अब डोमेन पूछा गया, तो डोमेन ऑफ जी, ये जो सेट है 1 2 3 4 5 6, जो जी लिखा था, इसके फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, डोमेन। रेंज जो सेकंड एलिमेंट का सेट है 2 5 8 10 12 2 5 8 10 12, ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कहीं ऐसा होता 1 2 3 4 A B C D, देखो 1 की एक इमेज A, 2 की एक इमेज B, 3 की एक इमेज C, D की एक इमेज, 4 की एक इमेज D। अगर मान लो 1 की इन्होंने एक और इमेज दे रखी होती, मान लो ऐसे कर दिया यहाँ पे 1 को इन्होंने D से रिलेट कर दिया होता, अब ये फंक्शन नहीं आता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 1 की दो इमेज बन रही है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखा होता तो कैसे लिखा जाता, मान लेते हैं ये हम F मान लेते हैं, 1 इज रिलेटेड टू A, 2 इज रिलेटेड टू B, 3 इज रिलेटेड टू C, 4 इज रिलेटेड टू D एंड 1 इज रिलेटेड टू B। देखो ये जो 1 है, 1 A के साथ आ रहा है और 1 D के साथ भी आ रहा है, तो इसलिए फंक्शन नहीं। यही हम चेक कर रहे थे कि जो पहला एलिमेंट है ये 1, ये कहीं और तो नहीं आ रहा। फिर हमने 2 चेक किया था, कहीं और तो नहीं है, 3 कहीं और है, 4 है कहीं पे, 5 या 6 नहीं था ना, तो हमने डायरेक्ट कह रहे थे ये एक फंक्शन होगा, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 हैज 2 इमेजेस, 1 यानी कि F1 A भी आ रहा है और F1 D भी आ रहा है, तो इमेज इज नॉट यूनिक, इमेज इज नॉट यूनिक। समझ में आई बात,